जाएगा। हम हारेगा ना, झारखंड का अस्मिता हमेशा के लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलाम्बर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि अरफान इरफान आंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा, लूट लेगा ये लोग। हमारा हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देख के झारखंड बनाया था, वही झारखंड हमें दोबारा बनाना। वाजपेयी जी ने बालू का माफिया के लिए झारखंड नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने अरफा इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड आप लोगों के लिए बनाया था। लेकिन आज आप लोगों का हाथ में कुछ भी नहीं। मनरेगा का पैसा नहीं मिलते है, बुजुर्ग का पेंशन नहीं मिलता है, बेटा बेटियों को नौकरी नहीं मिलते है। ये है झारखंड का हालत। 7,000 माताओं का ऊपर सालाना 7,000 बलात्कार होते हैं, 7,000 बलात्कार होते हैं। संथाल परगना में बलात्कार करने का बाद घुसपैठी आदिवासी बहनों को काट काट करके 50 टुकड़ा कर देते। ये झारखंड का हालत है। और इस हालत से हमें ये झारखंड को सुधारना पड़ेगा। हिंदुओं ने भारत बनाया था, हिंदू भारत बनाया है, और आगे जाके भी हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। यही हमारा देश है। आज जब झारखंड का सामने संकट का घड़ी है, जब झारखंड का सरकार ध्वस्त हो चुका है, जो जब झारखंड लुटेरा दलाल को हाथ में झारखंड सला गया है, फिर एक बार सनातन और हिंदू एक सोच के फिर दोबारा खड़ा होगा, झारखंड का अस्मिता को फिर लौटा के लेके आएगा। यही चुनाव का संकल्प, ये चुनाव का संकल्प झारखंड का अस्मिता है। ये चुनाव झारखंड को बसवाना है, ये चुनाव झारखंड को विकास का एक नया युग तक ले जाने का है। भाइयों और बहनों, हमने बोल चुका हूं 2,87,000 नौकरी दिलवाऊंगा। मैं दीपावली का दिन घर नहीं गया, असम में नहीं गया, मेरा परिवार मुझको फोन किया कि दीपावली का दिन भी नहीं आएगा। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा। जब झारखंड का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, सीजीएल एग्जाम रद्द करेगा, गोगो दीदी योजना शुरू करेगा, तब मैं गुवाहाटी लौट के जाऊंगा। तब तक मैं लौट के ही नहीं जाऊंगा। भाई और बहनों, माताओं को मेरा प्रणाम। और मैं माताओं को बोलना चाहूंगा, हमारा सरकार आएगा, 500 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलेगा, और साल में 2 गैस सिलेंडर हम मुफ्त में देने का भी काम करेगा। गोगो दीदी योजना भी होगा, हमारा बुजुर्ग को पेंशन भी मिलेगा, और साथ में 21 लाख गरीबों को हम मकान देने का काम करेगा, और मकान बनाने के लिए बालू भी फ्री से मिलेगा, कोई बालू में पैसा नहीं ले पाएगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, मणिका सीट से, लातेहार से और पूरा पलामू से हम बीजेपी को जिताना है। कोई समाज में हम नहीं बांटेगा, हम कोई जाति में नहीं बांटेगा। हमारा एक ही परिचय है, हम हिंदू है, हिंदू रहेगा, यही हमारा परिचय है। हम भारत को हम माँ मानता हूँ, भारत हमारा माँ है, और भारत कभी
विकास के लिए हम लोग काम करते रहेगा, यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, बांटना नहीं, एक होके रहना है, तभी सेव होगा। यही ये चुनाव का मेन और यही चुनाव का मर्म है। और जब तक ये हम समझेगा तभी हमारा झारखंड बसेगा, नहीं तो हमारा झारखंड नहीं बसेगा। भाई और बहनों, जीतेगा कि नहीं जीतेगा हरकिशन जी? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? लास्ट टाइम थोड़ा वोट से हार गया था, इस बार ठीक ठाक हो जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो, हम लोग नहीं जीतेगा ना, इस बार तो 35 करोड़ बरामद हुआ है, अगली बार 70 करोड़ रुपया उड़ा गया उनका घर से। जीतो ना है, बालू का दलाली खत्म करना है कि नहीं खत्म करना है? करना है कि नहीं करना है? तो बीजेपी सरकार को लाना है, एक रहेगा कि नहीं रहेगा?